एमसी केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून हे सामने आपल्याला टीव्हीवर सुद्धा घर बसल्या पाहू शकता। तसेच जे सामने कवर करतात ते म्हणजे आमचे अमोल मयेकर कॅमेरामन खरोखरच खूप सुंदररित्या मैदान कवर करतात। तसेच लाईव्ह स्कोरर आपण ज्यांना लाईव्ह स्कोररच्या भूमिकेत पाहतोय ते म्हणजे अमेय कर्देकर। तसेच ऑफलाईन स्कोरर आपण आपलं त्यांना टंकलेखित गुणलेखक असं म्हणू ते म्हणजे मयूर चोगले आपल्या वरडकोल गावातील। तसेच समालोचक मी स्वतः हितेश पाटील। आपण सर्वजण या सामन्यामध्ये उघड्या डोळा देखत सामना पाहतोय आणि दुसरं सत्र चालू झालं। युवा कोळी भरडगोल या संघाला हव्या आहेत त्या म्हणजे 25 धावा। त्याच्यातील श्री गणेशा केलंय तो अवांतर धावेने निश्चितच 9+1 अशा 2 धावा दिल्या जातील। आपण रिप्लेच्या माध्यमातून पाहतोय या स्क्रीनवर आणि हा चेंडू मात्र निश्चितच चांगला होता आणि गडी बाद झालाय। हेमंत बाद झालाय, कोणतीही धाव न बनवता हेमंत बाद झालाय आणि त्याची जागा सांभाळण्यासाठी आलाय तो म्हणजे सतीश। नक्कीच 2 भाऊ आपल्याला मैदानावर खेळताना दिसतायत, सतीश आणि नितेश एकाच संघातून। तसेच या संघातून सुद्धा रुचित रुणेश आणि मनीष 3 भाऊ आपल्याला खेळताना दिसतायत या संघामध्ये। एक धाव नक्कीच मिळते, एका धावच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते म्हणजे 3 चेंडू 3 धावा। पुन्हा एकदा रुचित उजव्या हाताने आणि डाव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय नितेशसाठी, नक्कीच एक धाव मिळते या एका धावच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते 4 धावांवर। 4 चेंडू आणि 4 धावा अमेय कर्देकर निश्चितच एक हलक काम करून ठेवलंय गुणलेखकाचं आणि समालोचकाचं। आपली लाईव्ह गुणलेखक फुलटॉस चेंडू, एक बॉक्स टाईप क्रिकेट म्हणा किंवा क्रिकेटमध्ये मयू फुलटॉस चेंडू म्हणजे फलंदाजासाठी ॲडव्हान्टेज असतो आणि त्याचा फायदा उचलणं गरजेचं असतं, मात्र फायदा उचलू शकलेले नाही आहेत ते सतीश आणि त्याची जागा सांभाळण्यासाठी आलाय तो म्हणजे दीपक। शेवटचा एक चेंडू बाकी, धावसंख्या तिथेच थांबलेली 4 धावा। रुचित दीपक समोर मोठा फटका, चांगला क्षेत्ररक्षण यश, याचा धावबाद होईल का आणि दीपक सुद्धा बिना खात उघडता तंबूचा रस्ता दाखवलाय तो यश याने। का मला प्रत्येक सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचं चषक मिळतं, का माझा सन्मान केला जातो उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून, हे दाखवून दिले पहिल्या सामन्यामध्ये जर्सी नंबर 07 यश वाघे। आणि पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 3-4 धावा। सूरज काय सुजल मनीष याचा पहिला चेंडू नो घोषित केलाय पंचांनी, एक अवांतर धाव मिळते, अवांतर धावीच्या मध्ये धाव फलक पोहोचलंय। पुन्हा एकदा नो घोषित केलाय, 9+1 अशा 2 धावा मिळत आहेत, या 2 धावांच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते 7 धावांवर। हे थांब, त्या बाळाला बाहेर काढायचंय, अजून कोणताही चेंडू फेकला गेलेला नाहीये या दुसऱ्या षटकातील, पहिला चेंडू फेकला गेलाय आणि एक धाव नक्कीच मिळते या एका धावीच्या मदतीने धाव फलक पोहोचले ते 8 धावांवर। 1 चेंडू आणि 8 धावा, एक चेंडू 8 धावा। नितेश अजूनपर्यंत मैदानात आहे, नितेश काय करेल, मनीषच्या चेंडूवर टॅप केला, चेंडू घोषित स्वरूपात एक धाव मिळते या एका धावीच्या मदतीने धाव फलक पोहोचले ते 9 धावांवर। 2 चेंडू आणि 9 धावा, पुन्हा एकदा मनीष नितेश, पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळून काढलेला चेंडू, एक धाव मिळेल या एका धावीच्या मदतीने धावफलक दुहेरी अंकामध्ये पोहोचलंय 10 धावा। पुढचा चेंडू मनीष याचा 4था चेंडू, 3 चेंडूंचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी, मोठा फटका, चांगला क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रो मध्ये आणि बॅकअप सुद्धा चांगलं आलं राजू याचं, मात्र एक धावीपासून अडवू शकत नाहीये, एका धावीच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 11 धावांवर। 2 चेंडूंचा खेळ बाकी, 11 धावा। चौथा गडी बाद झालाय तो
सुजलच्या रूपाने आणि त्याची जागा सांभाळण्यासाठी येतोय तो मोरेश। दुसरं षटक सुद्धा संपले, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ती 4 बाद 11 धावा, म्हणजेच 4 धावा खर्च केल्या होत्या रुचित याने, 7 धावा खर्च केल्या ते मनीष याने, 11 धावा झालेल्या आहेत आणि अजूनपर्यंत 15 धावांची गरज आहे, 14 धावांची गरज, 6 चेंडू 14 धावा। परेश पहिला चेंडू मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण। मी वारंवार म्हणतो की बरडगोला गावामध्ये ज्या वेळेला स्पर्धा होता त्यावेळेला मला का उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून संबोधलं जातं, का माझा सन्मान केला जातो ते दाखवून देतो यश। खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि दांडी गुल। आता मात्र 4 चेंडू आणि 13 धावांची गरज, म्हणजेच 3 चौकार नक्कीच ठोकावे लागतील युवा कोळीच्या फलंदाजांना। 4 चेंडू आणि 13 धावांची गरज, पुन्हा एकदा 4 चेंडू आणि 12 धावा, 3 चेंडू आणि 12 धावा, 3 चेंडू 12 धावा। आणि एक वेगळ्या पद्धतीत आपण फुटबॉल प्रत्येक वेळेला पाहतो, आता मात्र हॉलीबॉल सुद्धा पाहायला मिळालाय रुचित यांच्याकडनं। 2 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे, एक तर्फी सामना वळवलाय तो किंग कोळी भरडकोल या संघाने, किंग कोळी या संघाने। आता मात्र नक्कीच पंच हात फैलावतील, स्वैर घोषित केलाय चेंडू मोठा फटका आणि काय क्षेत्ररक्षण, तिसरं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय, क्षेत्ररक्षक चुकीचा निवडला जाते, रुणेश मात्र खूपच खुश आहे यश यांच्यावर आणि पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि सामना जिंकलाय किंग कोळी या संघाने। तसेच रोमेश वाघे यांना मी समालोचन कक्षात आमंत्रित करतो, आमचे परम मित्र रोमेश वाघे एक चांगले समालोचक। आणि या सामन्याचा आपण सामनावीर घोषित करत आहोत, निश्चितच त्याने आपल्या बॅटमधून 11 धावा बनवल्या आणि आपल्या गोलंदाजीतून ज्याने 4 धावा खर्च करून 2 गडी मिळवले असा किंग कोळी संघाचा रुचित पाटील याला सामनावीर घोषित करत आहोत। आणि विनंती असेल सन्मान्य श्री केशवजी चोगले साहेबांना की आपण सामनावीरचं मेडल परिधान करायचं आहे। न्यू एक्विरा आणि पिंपला देवी फायटर्स दोन्ही संघांच्या संघनायकाला विनंती करतो की आपण नाणेफेकीसाठी जायचंय आणि खरं मी अमोल यांना विनंती करतो की आपण सामनावीरचं मेडल परिधान करताना आपण हे कव्हर करायचं आहे आणि सन्मान्य श्रीधर पावशे साहेब यांना विनंती करतो की आपण ते मेडल परिधान करायचं आहे। या किंग कोळी संघाचे आधारस्तंभ श्री कृष्णा शेट चोगले पिंपळा देवी फायटर्स विरुद्ध न्यू एकविरा यानंतर होणारा सामना, म्हणजेच आता होणारा सामना पिंपळा देवी फायटर्स विरुद्ध न्यू एकविरा, दोन्ही संघांच्या संघनायकांना नाणेफेकीसाठी यायचंय। तसेच सन्मान्य श्री जितेंद्रजी वाघे साहेब यांना मी समालोचन कक्षात आमंत्रित करतो, कारण आयोजकांकडनं तशीच विनंती आली की एक सामना जितेंद्र वाघे यांचं सुद्धा समालोचन, हिंदी समालोचन ऐकायला मिळावं। आणि या सामन्यामध्ये मला वाटतं मयूजी सांगायचं झालं तर एक ओव्हर आमची स्पर्धा खेळवली गेली मास 11ची, तिथे मी होतो का मी नव्हतो तिथे हे मला होतं की नव्हतं हे मला माहिती नाही आहे, परंतु बॉक्स टाईप क्रिकेटमध्ये लाईव्हमध्ये पहिल्यांदा समालोचन करतील, हिंदी समालोचन करतील ते म्हणजे जितेंद्र वाघे सर। खूपच चांगलं समालोचन, हिंदी समालोचन ऐकायला मिळतं त्यांच्या माध्यमातून आणि आपण लाईव्ह समालोचन थेट प्रक्षेपित समालोचन त्यांनी केलं असेल की नसेल आता पहिल्यांदा करतील, पण मला वाटतं लाईव्हचा जो सेटअप आहे तिथे बसून स्क्रीनवर बघून मला वाटतं पहिल्यांदा समालोचन करतील।
आणि मास इलेवन याच्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी उत्कृष्ट एक 77,000 पारितोषिक होतं मयूजी, आणि तिथे उत्कृष्ट समालोचकाचा पुरस्कारसुद्धा त्यांना दिला गेला होता. आणि म पहिल्यांदा मला वाटतं यूट्यूबच्या सेट समोर आपण हे सेटवर पाहून समालोचन करतील. कृपया मी आपल्याला आमंत्रित करतो की आपण आपली जागा सांभाळायची आहे. धन्यवाद हितेश पाटील सर. पहले दिन का ये दूसरा राउंड खेला जाएगा, ये राउंड पिपला देवी फाइटर वर्सेस न्यू एक्विरा, इनके बीच खेला जाएगा. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हितेश पाटिल सर का, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया है यहाँ पर कमेंट्री के लिए. धन्यवाद. इस मैच का टॉर्च उचालेंगे हमारे गांव की हस्ती मान्य श्री श्रीधर जी पौसे सर, इनके हाथों से उचाला जाएगा. पिंपला देवी फाइटर वर्सेस न्यू एक्विरा, इनके बीच ये मैच खेला जाएगा. मैच तीन ओवर का होगा, पहले दिन का दूसरा राउंड खेला जाएगा. ये टॉर्च उचाला जा रहा है, टॉर्च पिंपला देवी फाइटर वर्सेस न्यू एक्विरा के इनके बीच उचाला जा रहा है. न्यू एक्विरा वर्सेस पिंपला देवी फाइटर्स, टॉस पिंपला देवी फाइटर ने जीता है, अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, उनके सामने वाली टीम है न्यू एक्विरा, उनको फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है. मौजूद तीन ओवरों का मैच खेला जाएगा. किंग कोहली क्रिकेट क्लब बरडकोल आयोजित पुरस्कृत प्रथम इस रिसोर्ट इस टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ रखा गया है. वो लकी ड्रॉ सोने की अंगूठी उसकी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, उनके सामने वाली टीम है न्यू एक्विरा, उनको फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है. मौजूद तीन ओवरों का मैच पिंपला देवी फाइटर्स के कैप्टन को मैं आमंत्रित करता हूं. एक प्लेयर यहां पे भेजिए जबकि अपना नाम देना है. पिंपला देवी फाइटर्स, पिंपला देवी फाइटर्स नाम पहले यहां देने, पहले नाम देना है, सब नाम पहले लिखे लेते हैं यहां पर. दोनों टीम ध्यान में रखे. ओके थैंक यू. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, उनके सामने वाली टीम है न्यू एक्विरा, उनको फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया. मौजूद तीन ओवरों का मैच लाइव दिखाया जा रहा है यहां पर. जय गणेश स्पोर्ट, किंग कोहली बरडकोल, मैं अंपायर से गुजारिश करता हूं कि फील्ड सजा ले. फील्ड सजा ले अंपायर, फक्त रिप्ले बटन है ना तो बनवून दिलेला दादाला अंपायर. फील्ड सजा ले प्लीज, फील्ड सजा ले प्लीज.
इनिंग का आगाज करने के लिए आए ऋतुराज और राजा, दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। स्ट्राइक पर ऋतुराज, नॉन स्ट्राइक पर राजा। पिंपला देवी फाइटर की ओर से पहले ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज और राजा। अंपायर क्या हुआ, फील्ड सजा लो। एक मिनट, शॉर्ट फील्डर कीपर ही रहेगा। इनिंग का आगाज करने के लिए आए ऋतुराज और राजा। गोल अपने कोटे की पहली ओवर, टीम की ओर से पहली ओवर लेके आ रहे ओमकार। अपने कोटे की पहली, टीम की ओर से पहली ओवर लेके आए ओमकार। उनके सामने ऋतुराज, देखते राइट हम ओवर द विकेट मारा करेंगे, राउंड विकेट मारा करेंगे। ओमकार लेफ्ट हम के बाहर जाती हुई नाते देख से खाता खोलती हुई यहां पर पिंपला देवी फाइटर्स। फिर से एक बार ओमकार अपने बॉलिंग मार पर, राइट हम राउंड विकेट मारा करेंगे ऋतुराज के लिए। हल्का सा प्लेस किया अपना, खाता खोला डी के शॉर्ट में, स्कोर जाके पहुंचा दो रन। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर ओमकार, उनके सामने ऋतुराज। फुल टॉस गेंद थी बल्लेबाज, कुछ बल्लेबाज डी के शॉर्ट में रन मिलेगी, तीन रन हो चुके यहां पर। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर ओमकार, उनके सामने ऋतुराज। बहुत अच्छा शॉट डी के शॉट में, एक रन मिलेगा। फिर से स्कोर जाके पहुंचा चार रन। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर ओमकार, उनके सामने ऋतुराज। राइट हम राउंड विकेट, हल्का सा प्लेस किया, रनआउट का चांस यहां पर ऋतुराज। पॉइंट ऑफिस पहला झटका लगता हुआ यहां पर ऋतुराज के रूप में पिंपला देवी फाइटर्स को, पहला झटका चार के स्कोर पर। प्रसाद ऋतुराज की जगह संभालने आए प्रसाद। राजा पहली मरतबा स्ट्राइक करेंगे ओमकार के गेंद का, शानदार गेंदबाजी का नजारा यहां पर ओमकार द्वारा। स्कोर जाके पहुंचा चार रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर, बहुत अच्छा शॉट यहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया, एक रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा, जबकि स्कोर जाके पहुंचा है पांच रन एक ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट के नुकसान पर पिंपला देवी फाइटर्स। अपने कोटे की पहली, टीम की ओर से दूसरी ओर लेके आए किरण, उनके सामने राजा। पांच के स्कोर पर खेलती हुई पिंपला देवी फाइटर्स। राइट हम राउंड विकेट किरण राजा के लिए, राजा तैयार किरण के गेंद का सामना करने के लिए। पहली मरतबा गेंदबाज किरण, ये क्लीन बॉल, एक अच्छा बल्लेबाज को पॉइंट भेजा है। दूसरा झटका लगता है यहां पर पिंपला देवी फाइटर्स को, आधार आया अभी। तीन ओवरों का मैच है, दो विकेट ओपनिंग के रूप में आए थे, वो पॉइलन वापिस गए। अभी फिर से आधार, डॉट बॉल करार दिया यहां पर। फिर से एक बार किरण, उनके सामने आधार। बहुत अच्छा शॉट है पर उतना अच्छी फील्डिंग वहां पर ओमकार द्वारा। एक रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा, जबकि स्कोर जाके पहुंचा है छह रन दो विकेट के नुकसान पर पिंपला देवी फाइटर्स। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर किरण, उनके सामने प्रसाद। पहली मरतबा स्ट्राइक करेंगे प्रसाद किरण के गेंद का सामना करने के लिए। बहुत अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, यहां पर रनआउट का चांस था, नॉट आउट करार दिया उतने चौकन्ने अंपायर वहां पर रोचित पाटिल। स्कोर जाके पहुंचा है सात रन दो विकेट के नुकसान पर पिंपला देवी फाइटर्स। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर किरण, उनके सामने आधार।
नो बॉल करार दिया, बने रन आउट का चांस यहां पर। नॉट आउट करार दिया अंपायर ने, अंपायर ये रन दो मिलेंगे, दो रन स्कोर जाके पहुंचाए, नौ रन दो विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार किरण उनके सामने, प्रसाद बहुत अच्छा शॉट एंड करीब जाती हुई गेंद, दो रनों के लिए बेहतरीन शॉट यहां पर फतेह प्रसाद के बल्ले से निकलते हुए, दो रनों के लिए स्कोर जाके पहुंचाए, ग्यारह रन। आखिरी गेंद 11 रन दो विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार बहुत अच्छा शॉट यहां पर, उतना अच्छी फील्डिंग, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया और एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा, जबकि स्कोर जाके पहुंचे 12 रन दो विकेट के नुकसान पर। दो ओवर खत्म होने के बाद पिंपला देवी फाइटर्स। विजय अपने कोटे की पहली टीम की ओर से तीसरे ने आखिरी ओवर लेके आए। विजय बहुत अच्छी गेंद यहां पर, कोई रन नहीं को नुकसान नहीं, स्कोर वही पे थमा हुआ 12 रन दो विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार विजय प्रसाद के लिए, प्रसाद तैयार, बहुत अच्छा शॉट यहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर ओमकार द्वारा, एक रन से रोक नहीं सके, स्कोर जाके पहुंचा 13 रन दो विकेट के नुकसान पर पिंपला देवी फाइटर्स। अब पहली मरतबा विजय की गेंद का सामना करेंगे प्रसाद, सॉरी अदर विजय, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने उसको वाइड करार दिया, स्कोर जाके पहुंचाए 14 रन दो विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर विजय, उनके सामने आधार, बहुत अच्छा शॉट यहां पर, दो रन यहां पर मिलेंगे, स्कोर जाके पहुंचाए 16 रन। आखिरी तीन गेंद ना बाकी, फिर से एक बार विजय अपने बॉलिंग मार पर, उनके सामने आधार, राइट हम राउंड द विकेट मारा करेंगे विजय, बहुत अच्छा शॉट वहां पर, उतने अच्छी फील्डिंग लेकिन दो रन से रोक नहीं सके, स्कोर जाके पहुंचा है 18 रन दो विकेट के नुकसान पर पिंपला देवी फाइटर्स। आखिरी दो गेंद आना बाकी इस ओवर की, 18 के स्कोर पर खेलते हुए यहां पर पिंपला देवी फाइटर्स, बहुत अच्छा शॉट करी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, चार रन के लिए पहला चौका निकलता हुआ यहां पर आधार के बल्ले से, स्कोर जाके पहुंचाए 22 रन डबल दूरी दो विकेट के नुकसान पर 2-2 लॉस 2। फिर से एक बार विजय उनके सामने आधार, एक आक्रमक मोड में आक्रमक रवैया करते हुए यहां पर बेहतरीन शॉट, उतने अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन से रोक नहीं सके, स्कोर जाके पहुंचाए 23 रन जीत के लिए 24 रनों का लक्ष्य न्यू एक्विरा के लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पिंपला देवी फाइटर्स ने 23 रन बनाए, जीत के लिए 24 रनों का लक्ष्य रखा गया है न्यू एक्विरा के लिए। मौजूद 18 गेंदों में 24 रन बनाने होंगे मैच जीतना है तो। इनिंग का आगाज करने के लिए आ रहे ओमकार और विजय अपने कोटे की पहली टीम की ओर से पहली ओवर लेके आ रहे राजा।
अपने कोटी की पहली टीम की ओर से पहली ओर लेके आया राजा उनके सामने ओमकार और विजय। इनिंग का आगाज करने के लिए आए ओमकार और विजय, मौजूद 18 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। अपने कोटे की पहली टीम की ओर से पहली ओवर लेके आए राजा उनके सामने ओमकार न्यू एक्विरा की ओर से। राइट हम और दो गेंद मारा करेंगे राजा ओमकार के लिए। बहुत अच्छी गेंद यहां पर, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं सके इस गेंद को। गेंद गई विकेट कीपर के ग्लोव में, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया, कोई रन नहीं। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर राजा उनके सामने ओमकार, फिर से घुमाना चाहते अंपायर। बैट का अंदरूना किनारा लगा, पहला झटका लगता है यहां पर ओमकार के रूप में। जीरो के स्कोर पर यहां पर जीरो के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ यहां पर राजा एक कामयाब गेंदबाज। पांड्या प्रजोद, फिर से एक बार राजा अपने बॉलिंग मार पर प्रजोद के लिए। प्रजोद पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे राजा के गेंद का सामना करेंगे प्रजोद। बहुत अच्छा एक रन डी के शोर में अपना खाता खोला है, अपने टीम का भी और अपना खुद का भी, एक रन से एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार राजा अपने बॉलिंग मार पर उनके सामने प्रजोद, राइट हम ओवर द विकेट मारा करेंगे राजा प्रजोद के लिए। ओ ये वाइट अंपायर का इशारा, दो रन एक एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार फिर से एक बार एक्स्ट्रा के रूप में डालते हुए यहां पर, बार बार राजा व्हाइट डालते हुए यहां पर स्कोर जाके पहुंचा है 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। डरना मना है, वन डी मिलेगी यहां पर डी के शॉट में एक रन मिला यहां पर, स्कोर जाके पहुंचा है 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर राजा, फिर से एक बार राजा प्रजोद के लिए। प्रजोद तैयार, बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर सौरभ द्वारा। नारायण पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, यजमान संघाने बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, तसेच जान्या हुमने रमेश हुमने। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहां पर राजा द्वारा। एक ओवर खत्म होने के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। नारायण पाटील यांचं स्वागत आमच्या यजमान संघाचे परेश पावसे यांच्या शुभास्ते पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात येत आहे नारायण पाटील यांचं। एक ओवर खत्म होने के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। आधार आए अपने कोटे की पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आया आधार, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी यहां पर। अभी 12 गेंद 16 रन 18 गेंद 12 गेंदे 18 रन जीत के लिए, सॉरी 12 गेंदे 19 रन जीत के लिए आधार। राइट हम राउंड विकेट मारा करेंगे, नो बॉल अंपायर का इशारा यहां पर। डी के सौर में एक और खाता मिलेगा यहां पर, स्कोर जाके पहुंचा है 7 रन। फिर से एक बार आधार प्रजोद के लिए, प्रजोद तैयार। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन से रोक नहीं सके, स्कोर जाके पहुंचा है 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे विजय, आधार के गेंद का सामना करेंगे, वन डी मिलेगी यहां पर, स्कोर जाके पहुंचा है 9 रन। स्कोर
स्कोर जाके पहुंचा है 9 रन। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर आधार, उनके सामने विजय क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर न्यू एक्विरा को 9 के स्कोर पर। रमेश जी हुमने नो प्लस वन स्कोर जाके पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। घुमाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लोव में, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर आधार, उनके सामने हरू और यार आउट, आउट करार दिया। तीसरा झटका लगता है यहां पर न्यू एक्विरा को। आखिरी गेंद, लास्ट चेंडू, शेवटचा चेंडू पाहूया। सिद्धू सिक्सर मनाया, रमेश उमने यांचं स्वागत करतील आमच्या यजमान संघाच्या रुनेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन। 11 रन बन चुके, जीत के लिए अभी भी 14 रन 13 रन 6 गेंदे 13 रन। सोम्या अपने गोटे की पहली टीम की ओर से तीसरे ने आखिरी ओवर लेके आए सोम्या, बहुत अच्छा शॉट यहां पर 2 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहां पर प्रजोत के बल्ले से निकलता हुआ 13 रन हुए। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर सोम्या, उनके सामने प्रजोत, बहुत अच्छा शॉट यहां पर, थोड़ी सी लूज फील्डिंग यहां पर, 1 रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा जबकि स्कोर जाके पहुंचा 14 रन। फिर से एक बार सोम्या अपने बॉलिंग मार पर, उनके सामने सिद्धू किरण, बहुत अच्छा शॉट है पर थोड़ी सी लूज फील्डिंग यहां पर, सौरभ दौरा, गेंद आए या ना आए हंसना अपना जरूरी है सौरभ। फिर से एक बार सोम्या प्रजोत के लिए, बेहतरीन शॉट यहां पर 2 रन के लिए, बेहतरीन शॉट यहां पर प्रजोत के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर जाके पहुंचा है 17 रन। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर सोम्या, उनके सामने प्रजोत, बहुत अच्छा शॉट घुमाना चाहते थे लेकिन बैट का आंदोलन किनारा लगा। आखिरी गेंद प्रजोत के लिए और ये पिंपलादेवी फाइटर्स मैच विन। मैनेज द मैच के हकदार आधार चोगले, 11 रन और 3 विकेट लेकर। पांडू वागे, पांडुरंग वागे यांचं स्वागत। पांडुरंग वागे यांचं स्वागत आमच्या यजमान संघाचे। मैन ऑफ द मॅच चे हकदार आधार, मी आमंत्रित करतो आमचे पाहुणे दीपक चोगले यांना यांच्या शुभ हस्ते।